मैम ने बताया कि कीप पेशेंस, आप पेशेंस जरूर रखो, सही तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट करो इंटर तक, एंड उसके बाद आपको डिजाइन फील्ड में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एनआईडी है, निफ्ट है, आर्ट्स कॉलेज, आप किसी को भी चूज करो एंड अच्छे से उसमें काम करो, कुछ डिफरेंट काम करो एंड साथ ही साथ अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को उसको एक्सप्लेन करते रहो, क्योंकि हम मैंने जो एक गलती की, मैं मॉडर्न हो गई, मैंने दुनिया को देखा और मैं अपनी दुनिया में इस तरीके से बिजी रही, मैंने माँ को छोड़ दिया था, मेरी गलती थी कि मैं उनको अपनी आंखों से वो दुनिया नहीं दिखा पाई कि ये दुनिया कितना बदल चुका है, यहाँ के लोग अब चेंज हो चुके हैं, उनके अलग सपने होते हैं, तरीके अलग होते हैं, मैं अपनी लाइफ में बिजी थी, वो अपनी लाइफ में बिजी थी, तो इसलिए ऐसा मत करना। आप लोग जो भी डिजाइन करो, जहां भी घूमो, अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके चलो, क्योंकि आप जो देखते हो, जरूरी नहीं है कि पूरा जमाना, पूरी दुनिया आपके पेरेंट्स वही चीज देख रहे होते, तो कोशिश हमें करना है कि हमको उनके कदम से कदम मिला के चलना है, जैसे उनको चाहिए हम वैसे ही करेंगे, अगर उनको साड़ी पसंद में